नए साल की शुरुआत अपने पहाड़ के फेमस पकवान से करते हैं। तो अलग हो रहा था कि ऐसे ही हो रही थी। उन्होंने हमको दे दिया थोड़ा बहुत धोखा। नए साल में भी पास नहीं आई, अब धीरे धीरे नए साल में आएगी। आज स्पेशल तो बने ना बने, लेकिन आज दिन स्पेशल है 2023 का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज है 2023 का पहला दिन, 1 जनवरी 2023। तो आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे तहे दिल से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आपका जो नया साल है वो बहुत अच्छा बीते, मैं भगवान से यही आशीर्वाद आपके लिए और अपने लिए मांगता हूं। और पिछले साल लास्ट दिनों में कुछ मेरे साथ बीता तो उसको छोड़ देते हैं भी, और जो नया साल है उसको खुशहाल तरीके से मनाते हैं। और दो चार दिनों से आप हमारे परिवार को भी मिस कर रहे होंगे, मेरे बापू जी को, मेरी माँ को। तो चलिए, वो अभी वबरा भीतर है, अभी सुबह का टाइम है तो ठंडे ठंडे में बाहर कोई भी क्या करेगा। तो आपको सीधे एक बार फिर लेके चलते हैं वबरा भीतर। और यहाँ वबरा भीतर देखिए, यहाँ पर हैं अपने बापूजी। हेलो गाइस। और यहाँ पर है माँ। हैप्पी न्यू ईयर जी। हैप्पी न्यू ईयर, मुबारक नए साल की सबको। और यहाँ दिखाऊं मैं आपको, तो आज हैप्पी न्यू ईयर पे नए साल पर यहाँ पर क्या बन रहा है स्पेशल। आज गोलचा बना रहे हैं, आज सुबह सुबह गोलचा मीठा खाने का। तेरे पापा तो बोले पूरी पूरी पकौड़ी बनाओ, हमारे बस का नहीं है। नहीं है बस का, केले जुकाम लग रहा है, गला पीड़ा हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर आज सुबह सुबह गोलथिया बन रहा है। तो चलो नए साल की शुरुआत अपने पहाड़ के फेमस पकवान से करते हैं, तो मजा आएगा, सुबह सुबह मीठा खाएंगे। और आज का दिन कैसा रहेगा तो वो आगे आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले फोन बाहर पे हाथ से पकड़ा हुआ था तो हाथ हो गया बिल्कुल सुन, तो थोड़ा आग सेकते हैं और गोलथिया कैसे बन रहा है वो आप लोगों को दिखाते हैं। अब गोलथिया के लिए पानी रखा हुआ था वो मैंने सब गिरा दिया नीचे, चलो कोई नहीं। नए साल, साल की पहली पहली टूट गई हो गई वाली यहाँ पर। चलो सब होता रहता है, पानी के नसूब होता भाई। अच्छा तो गर्मा गर्म गोलथिया बन के मेरे हाथ में आ चुका है, और गोलथे के साथ साथ स्वादिष्ट सा घी भी है और इसके साथ साथ सब्जी भी है। तो चलो फटाफट सुबह सुबह गोलथे का आनंद लेते हैं, और जुकाम भी लग गया है तो बोला जाता है गोलथे खा के बल जुकाम ठीक हो जाता है। तो देखो क्या होता है। नए साल का स्वागत हमने गोलथिया खा के कर लिया है, और उसके बाद आपको मेरे हाथ में भी एक पार्सल नजर आ रहा होगा। तो इसमें है एक प्रेशर कुकर जो कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे जो सचिन भैया है और उनकी फैमिली है तो उन्होंने हमारे लिए भेजा है। काफ़ी टाइम पहले भेज दिया था, लेकिन हम सोच रहे थे इसमें कुछ स्पेशल बनाएंगे। आज स्पेशल तो बने ना बने, लेकिन आज दिन स्पेशल है 2023 का, तो हमने सोचा इसका जो ओपनिंग है वो आज ही कर लेते हैं। तो थोड़ा इसको खोल देते हैं ढंग से, खुल जा। तो ये है भाई वो हमारा प्रेशर हॉकिंग्स का। तो प्रेशर तो ये है, लेकिन इसके साथ का जो और चीज़ें होगी वो क्या होंगी, थोड़ा इसको पकड़ना भाई साहब, तुम्हें पकड़ लो। वो इसमें रखी हुई है ये चीज, और सिटी कहाँ है इसकी। तो ये है, इसमें तो कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि मैं ना पढ़ पाऊँगा और ना ही हम भी कोई पढ़ने वाले हैं। अगर कभी काम आएगा तो पढ़ लेंगे कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। वैसे प्रेशर कुकर का क्या ज़्यादा यूज़ हमने करना है। और बापू जी पीछे से हंस रहे हैं, आगे आइए यार, कैमरे पे आइए ना तुम, लो तुम्हारे लिए आई स्पेशल। खाना बनाने के स्पेशलिस्ट ठीक है जी। हाँ। लो जी तुम्हारी अमानत। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भैया, या भैया तुम्हारा नहीं है, भैया हमारा बेटा है, बेटे हैं तुम्हारे, बेटे हैं। आपने बहुत बढ़िया काम किया, तो चलो आपका तहे दिल से हमेशा मैं धन्यवाद करता रहता हूँ। आप लगातार इतना सपोर्ट, प्यार और आशीर्वाद हमको देते रहते हैं। तो अब बापू जी आज इसमें क्या बनेगा। इसमें आज जो है मैं रख रहा हूँ, पहले खीर बनानी थी लेकिन झुमरा उठा हुआ नहीं है, आज मैं इसमें राजमा रख रहा हूँ। राजमा तो आज मैं आज इसमें जो शुरुआत होगी वो राजमा की दाल से होगी, और आने वाले टाइम पे तो लगातार इसमें खीर होगी, झंगोरे की खीर, कौनी की खीर, जो भी बनाएंगे आपको वीडियो के माध्यम से हम बताते रहेंगे। तो आप खाना बनाइए, और मुझे अभी कहीं जाना है तो फट से जूते जूते पहनते हैं, और कहाँ जा रहा हूँ मैं वो आपको आगे पता चलेगा। साल के मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर।
और ठीक ठाक शरीर पानी ठीक ठाक। नए साल में भी बास नहीं आई? अब धीरे धीरे नए साल में आएगी। ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया। तो अभी जा रहा हूँ मैं अपने पंगरोली स्टेडियम से होते हुए सोनरी ग्वांस गांव की ओर, क्योंकि आज वहाँ पर हमारा मैच है और साल के पहले ही दिन ही मैच है, तो बड़ा मजा आने वाला है। और मेरे साथ अभी है प्रियांशु भाई। हेलो गाइस। और दो हमारे और भाई भी हैं, नितिन भाई और बिजू भाई, वो पहले ही आगे चले गए हैं, तो चलो आगे वो मिल ही जाएंगे। तो अभी चढ़ रहे हैं ना चढ़ाई पे, तो सांस फूल लिए, तो आगे खूबसूरत नज़ारों के साथ आपको लिए चलते हैं आज सोनरी ग्वांस गाँव की ओर। जय माता रानी। तो चलते चलते हम पहुंच चुके हैं माँ दुर्गा के मंदिर पे, और यहाँ पर भी हमारे जो और भाई हैं वो हमको नहीं मिले हैं, मतलब वो पहले ही चले गए हैं। तो माता रानी के दरबार में थोड़ा एक दो मिनट बैठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, हालत ख़राब हो गई चलते चलते। तो चलते चलते हम पहुंच चुके हैं सोनरी ग्वांस क्षेत्र में। ये गांव स्क्रीन पे आपको जो नज़र आ रहा है, ये गांव है ग्वांस, और यहां मैं नीचे दिखाऊं तो ये नीचे गांव है सोनरी। तो जो मैच हो रहे हैं वो हो रहे हैं ग्वांस गांव में। और प्रियांशु भाई हेलो गाइस। प्रियांशु भाई हेलो गाइस हैं। चलो तब बैठो मत, लेट हो गई। अभी पहुंच चुका हूं मैं ग्वांस के उन खेतों में जहां पर मैच का आयोजन किया गया है, और आगे से हमारे हैप्पी और यहां पर जो टॉस प्रक्रिया है वो शुरू होने ही वाली है, तो देखते हैं टॉस कौन जीत पाता है। हेड बैटिंग, चलो। तो अभी हम टॉस जीत चुके हैं, और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का जो फैसला किया है हमारी टीम ने, अब देखते हैं कितना सही है कितना खराब है। अब गए हैं हमारे एटम बम पहाड़ वाले भैया, पहाड़ वाले भैया गए हैं अब गाड़ लेते हुए। तो जिस मैच को हम खेलने यहाँ पर आ रखे थे वो मैच हम हार चुके हैं, साल का पहला दिन और हम हार गए हैं। और पिछले साल लगातार मैंने 3-4 मैच खेले हैं, लेकिन उसमें से तो हार मिली नहीं, लेकिन चलो इस साल की शुरुआत हारने से हुई है, लेकिन फिर उठेंगे अगले दिन अगले मैच में, देखते हैं आगे क्या होता है। तो जो भी है, हारने के बाद एक बार फिर हम आ चुके हैं अपने गाँव के लिए पैदल मार्ग पर, तो थोड़ा आराम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज सुबह से ही मौसम खराब है, आसमान में बादल छाए हुए हैं और सूर्यदेव मतलब जाने ही वाले हैं, अभी शाम के 4 बजने वाले हैं, लेकिन धूप आज देखने को ज़्यादा मिली ही नहीं, और ठंडा इतना हो रहा था कि प्रियांशु भाई और नितिन भाई ने लोगों के खेत में ही यहाँ पर आग जला दी है। और यहाँ पर अभी हम ना अपने जो बिजू भाई हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ के जो और प्लेयर हैं वो अभी आ ही रहे हैं नीचे, तो हमने सोचा जब तक वो नहीं आ जाते हैं, थोड़ा ठंडा हो रहा है तो यहीं पे थोड़ा आग जला लेते हैं और आग का आनंद ले लेते हैं। भाई साहब हाथ सुनोगे। दोस्तों यहाँ पर आग सेकते सेकते ये देखिए लगभग सनसेट हो ही गया है, लेकिन जो हमारे साथ के थे वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं और उनका इंतज़ार हम यहीं पे कर रहे हैं। टाइम की बात करूं तो लगभग 2-2.5 घंटे हमको यहीं पे हो चुके हैं, और अभी भी कितने लेट में वो आते हैं उनका कुछ भरोसा है नहीं, और आजकल पहले ही रात जल्दी पड़ती है, अभी मतलब आप मान सकते हैं 5:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है, तो 1 घंटा बाकी है, तो मुझे तो कहीं दूर दूर तक वो नज़र नहीं आ रहे हैं, और हम जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि मालकी गाँव के तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे गाँव का हमारा बिजू भाई अकेला है, तो अकेला छोड़ेंगे। कितने खतरनाक घने जंगल से हम आए हैं वो तो आपने देख ही लिया है,
तो देखो अभी इंतजार के अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो इंतजार करते हैं थोड़ा। तो जहाँ पर हमने आग जलाई थी तो इसको अच्छी तरह से हमने बुझा दिया है, और मैं बोल रहा था कि हम किसी का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, बिजू भाई और मलकी गांव के हमारे कुछ प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने हमको दे दिया थोड़ा बहुत धोखा, वो चले गए हैं दूसरे रास्ते, वो सामने पहाड़ी से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से होते, तो अब क्या करें, उनका हमने 3 घंटे से ऊपर इंतज़ार किया और वो दूसरे रास्ते ही चले गए हैं, कहीं ना कहीं तो आगे रास्ते में मिले जाएंगे, क्योंकि वो रास्ता भी आगे कहीं मिलता है। और सामने मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त लालिमा दिखाई दे रही है। तो चलते चलते अभी हम पहुंच चुके हैं अपने पंगरोली स्टेडियम में, और यहां पर पहुंचते पहुंचते ना अंधेरा भी हो ही गया है, और हमारे जो और भाई बंधु हैं वो पंगरोली आए होंगे, तो अब तक पंगरोली से घर भी जा चुके हैं, और आज उन्होंने यहां पर आग नहीं जलाई थी, तो अभी हमको हो गया बहुत ही ख़तरनाक वाला ठंडा, तो हमने सोचा थोड़ा आग जला लेते हैं, और हमने बिजू भाई का इंतज़ार किया था, बिजू भाई भी पहुँच चुके हैं हमारे साथ साथ, तो चलो थोड़ा आग सेकते हैं और उसके बाद फिर घर निकलते हैं। तो पहुंच चुका हूं मैं घर पे और अपने भोटू महाराज यहां पर हमारे इंतज़ार में ले, ले, ले। तो अभी घर आके सीधे मैं आ चुका हूं ओबरा भीतर, और यहां पर बापूजी के द्वारा चाय बनाई जा रही है, और यहां दिखाऊं तो यहां पर दाल रखी हुई है, मैं इसको खाने वाला हूं अभी, यहां पर माँ है और हमारे घर की भाई भी आ रखे हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, और तुम भूल गया आज, हेलो गाइस, हेलो गाइस। और अभी बासी भात खाएंगे क्योंकि भूख लगी बहुत ही खतरनाक वाली, पूरा दिन तो कैसे कटा हमारा वो मैं आपको बता चुका हूँ, और साथ साथ में ना अभी मेरे को नजर आया था यहाँ पर पुराना वाला परिसर, सुबह तो तुम बोले थे नए परिसर में बन रहा है वाला, आज दाल तो नया पर बनाया ना हमने, दाल तो नया पर, दाल नए परिसर में बनाई, कैसे हो रही थी नए परिसर पे दाल, बढ़िया ना, तुमने खाई होगी वहाँ, कुछ कुछ अलग हो रहा था कि ऐसे ही हो रही थी, सट करके गल गए हैं। तो चलो जैसी ही बनी है नए प्रेशर की दाल, अब मेरे को खाने को मिलेगी, और बाबूजी ने एक पैर सीधे ऊपर ही रख रखा है बाबा, चलो ठीक है, तो चलो अभी चाय भी पीते हैं और साथ साथ में बासी भात का आनंद लेते हैं।